रहीम अस्सलाम वालेकुम। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस जमात शशम, मजमून उर्दू उनवान मलका कसार मरी लेक्चर नंबर 5। सिक्स क्लास, आज हमारा टॉपिक है मलका कसार। ये हम इसकी आई रीडिंग करेंगे। मलका कसार जो हमारे मरी को कहा जाता है, जो कि खूबसूरत हमारा मुकाम है, तो इसलिए इसे मलका कोसार कहा जाता है, पहाड़ों की मलका, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है सेहत अफजा मुकाम है, तफरी मुकाम हैं हमारे, जिससे हमारा जो है जहनी जिसमानी और रूहानी जो है खुशगवार असरात मुरतब होते हैं हम पे। सबसे पहले देखें, ये ऊपर ख़ास अल्फाज दिए हुए हैं। नबर दजमा होना, लड़ाई के लिए तैयार होना, खनक ठंडा सुहाना प्यारा, मबूत हैरान हक्का पक्का रह जाना, मतलब अचानक से कुछ होना हैरान हो जाना। आगोश गोद स्याह होते हैं सैर करने वाला, यख बस्ता बर्फ़ की तरह ठंडा जमा हुआ, सहर अंगेज जादू का असर पैदा करने वाला। मज़ीद इसके मीनिंग जो हैं वो बैक साइड पे दिए हुए हैं, जैसे कि बाकी आप पीछे टॉपिक करते आ रहे हैं, तो मैंने आपको पीछे से उनके सारे मीनिंग दिखाए हैं। उसी तरह इसके भी ये देखें, ये पेज नंबर है, ये सारे आपने अल्फाज मीनिंग याद करने हैं। रीडिंग हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहले बताया गया है मरी कि हमारे ये मुकाम जो है कहाँ पे है और इसमें क्या क्या है। मरी पंजाब का तारीखी मुकाम है। ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी के शुमाल मशरक में गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। मुसाफत होता है दूरी पर। समंदर की सतह से इस अफजा मुकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फुट है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है, अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर अशरे होता है, आखिरी हफ्ता जो होता है, आखिरी 10 दिन, फरवरी के इब्तदाई अशरे का दौरानिया शदीद बर्फ़बारी का ज़माना है। इस दौरानिए में मरी में यख बस्ता, मतलब कि बर्फ़ जैसी सर्दी का होती है, मौसम का राज होता है। मैं भी यहाँ सर्दियों में भी यहाँ बहुत रौनक होती है। जब सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है तो मुल्क भर से बर्फ़बारी का मंजर देखने को लोग यहाँ आते हैं। मरी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है, बल्कि गमगमों की रोशनियों में यूँ महसूस होता है आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। नेक्स्ट सफ़े पर देखें कि ये गर्मियों में लोग इधर क्यों जाते हैं और कब जाते हैं। गर्मी के मौसम में मरी की खनक हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोग गर्मी पड़ती मरी का रुख करते हैं। ये बहुत ही पुरफजा पहाड़ी मुकामात है, नहायत मरूफ खूबसूरत सैरगाह भी इसे कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में दूसरे तीसरे रोज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी में बहुत बड़ा सुहाना, जो मरी का मौसम है बहुत बड़ा सुहाना हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनोबर के ऊंचे खूबसूरत दरख्त यहाँ को खुश आमदीद कहते दिखाई देते हैं। ट्रेट के मुकाम से आगे निकलते ही मरी का मौसम जो है अब दिलफरेब मौसम आने वालों को अपनी गोश में ले लेता है। बल्ख हाथी सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते ही पड़ाव से हवाओं को मबूत कर देते हैं। मबूत वही जो आपको मैंने मीनिंग पहले बताया है कि हैरान कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हुआ कि इसमें जंग के बारे में कहा गया है, जो गुरेला जंग हुई 19वीं सदी की तीसरी दहाई में अंग्रेज़ों ने मरी में कैंप बनाया तो इस शहर को मरकजी अहमियत हासिल हुई। 1957 में जंग आज़ादी बरसगीर पाक हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया। वह मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे, उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गुरेला जंग शुरू की, जो कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई तो अंग्रेज़ों ने मरी में कदम जमाने का मौका मैसर आया। जब अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदों को मुख्तलिफ नौइतों की सज़ा से गुजारा तो इस खत्े के उन फर्जंदों को तोपदम किया जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नबर्द आजमा रहे। आज भी बाग शहीदा में इन जानसारों की कब्रें इनकी हिम्मत जरूरत और हौसले की गवाह हैं।
नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान में भी मरी का जो किरदार नुमाया है, पाकिस्तान के जिन शहरों को कायदे आजम के कदम का चूमने कदम चूमने का शर्फ हासिल हुआ, इनमें मरी भी। 1946 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, मादर मिल्लत फातिमा जिना जो है कि हमरा कश्मीर से होते हुए मरी तशरीफ लाए, और मरी के मरूफ GPO चौक में फरजानदाने इस्लाम से खिताब किया। मरी एक मरकजी सड़क के गिर्द गिर्द आबाद है, जिसे माल रोड कहते हैं। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं, यहाँ बाहर से आने वाले सियाह क्याम करते हैं। मरी के माल रोड की एक तारीखी और तहजीबी हैसियत है। ये GPO चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट तक जाता है। इनके दोनों तरफ खूबसूरत होटल और दुकानें मौजूद हैं, हर किस्म की चीज़ें दस्तियाब है यहाँ पर, जहाँ से सियाह अपनी ज़रूरत की चीज़ें और तोहफ़े खरीदते हैं। माल रोड के अलावा पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, बाग़ शहीदा भी काबिले दीद मुकाम है। मरी में न्यू मरी गड़ियाल कैंप और बंगर बन में देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। न्यू मरी में चेयर लिफ्ट केबल कार सियाहों का दिलचस्प महवर है। बच्चे बूढ़े जवान चेयर लिफ्ट और केबल कार पर बैठ कर लुत्फानंदोज़ होते हैं। पहाड़ों से गुजरती हुई केबल कार से ज़मीन का दिलकश मंजर सियाहों को मशहूर कर देता है। ये देखें, यहाँ पर तस्वीरें भी दी हुई हैं मरी की खूबसूरत जगहों की। सरदाबा बुलंद बादल दरख्तों पर पुरकशिश पहाड़ों बखे से बखे बखे से आती बादलों की टोलियाँ जो के बल खाती हुई एक सड़क मरी को एबटाबाद से मिलाती है। इस सड़क के तवस से अवेबिया, खानसपुर, बाड़ा, नथिया गली, ये सारे जो वहाँ की जगह हैं उनके नाम बताए हुए हैं। मरी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन तफरी मुकामात में से एक है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में यहाँ मुल्क के दीगर मुकाम से आने वाले सियाहों का तांता बना रहता है, जो मतलब के रहता है। ये सियाह यहाँ आकर खालके कायनात की पैदा करदा इन खूबसूरत निशानियों और दिलफरेब मनाजर से अपने दिलों को लुभाते हैं।